foundation class. Rajvardhan, very correct. All answer correct. Sir Ji Satkan. वैभव ये भी पूरे साल किए हैं, वेरी गुड. अशोक कुमार, सम स्टूडेंट्स आर रेगुलरली सॉल्व एग्जाम फर्स्ट. वेदांत, ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी ये फर्स्ट वाला हो गया कल्याण, ओके वेरी गुड. एक बात निश्चित स्वरूप से समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि 15th में से हमारा क्लास वर्क कैंपस क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट के लिए. ओनली 30 स्टूडेंट को हम कुंदन, वेरी गुड. अक्षय, करेक्ट. लिमिटेड, आपका आवाज नहीं. लिमिटेड स्टूडेंट के लिए हम 15th मई से कैंपस में एडमिशन देके क्लास रूम स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं. तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 10,000 रुपीज पेड करने हैं ऑनलाइन और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा. तो एकेडमी में COVID-19 का पूरा ख्याल लेकर ही हम आपका प्रिपरेशन करवा लेने वाले हैं. सर डेट क्या है चालू होने की, क्लासेस चालू होने की तारीख क्या है? 15th मई से. फर्स्ट बैच 15th मई से स्टार्ट होने वाली है लिमिटेड स्टूडेंट के लिए. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे इसका Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू -17 -19i -5 -13i दैट इज इक्वल्स टू -17 -19i +5 +13i दैट इज इक्वल्स टू 17 -17 +5 -12 -19 +13 -6i. नाउ Z1 minus Z2 equals to 19 minus 17i minus 14 plus 13i, 3i. That is equals to 19 minus 17i plus 14 minus 3i. 19 plus 14, that is 33. Minus 17 minus 3, minus 20i. लास्ट वन Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 52 प्लस 13i 37i माइनस 19 माइनस 10i 52 प्लस 37i प्लस 19 प्लस 10i 52 प्लस 19 दैट इज 71 प्लस 47i. This is about the solution of example. Shantanu, okay, very correct. तो students हम आगे बढ़ते हैं. Scalar multiplication.
स्केलर मल्टीप्लीकेशन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. Z equals to a plus bi is a complex number. And K is any scalar. Then K times Z equals to K times A plus BI, that is KA plus KBI. This is scalar multiplication to a complex number. Hello, sir. Yes. सर मेरे रेंज प्रॉब्लम की वजह से आपका आवाज नहीं आ रहा था, कट रहा था, मुझे एक बार फिर से एक बार समझाइए ना. देखो स्टूडेंट्स, 15 मई से हमारा क्लासरूम स्टडी चालू होने वाला है, कैंपस स्टडी चालू होने वाला है लिमिटेड स्टूडेंट के लिए. पूरा परमिशन लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट की जो भी फॉर्मेलिटीज है परमिशन. ऑफलाइन ऑफलाइन, तो जिसमें लिमिटेड स्टूडेंट होंगे कैंपस में आकर ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे. 15 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमें सिर्फ 30 स्टूडेंट को ही हम एडमिशन देने वाले हैं, और उसमें से काफी एडमिशन कंफर्म हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं. तो जिन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट, वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. सर ऑनलाइन चालू होने के बाद ऑफलाइन हो गया. Well, dear students, might be sir got a call, that's why the sir exited from the meeting. Sir is joined quickly again. Lockdown band tha to offline hi rahega kya? Sir, agar lockdown band. हाँ. ऑफलाइन ही रहना है. एक्चुअली आप जिस पीरियड में रह रहे हो तब लॉकडाउन ही लगा रहेगा. और सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और k इक्वल टू 5 इज एनी स्केलर है स्टूडेंट्स. z इक्वल टू -8 प्लस 7 आए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड k इक्वल टू 5 इज एनी स्केलर है स्टूडेंट्स. तो 5 z इक्वल टू 5 टाइम्स 7 आए, that is equals to -8, 5 into -8, -14, plus 5 into 7, 35 आए. This is a scalar multiplication to the complex number. ये क्या होगा student? ये है student scalar multiplication to the complex. ये स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. यस सर. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ
टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 इक्वल्स टू ए प्लस डी आई, Z2 इक्वल्स टू सी प्लस डी आई, Z1 इक्वल्स टू ए प्लस डी आई, Z2 इक्वल्स टू सी प्लस डी आई, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। देयरफॉर Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू ए प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई। देखो स्टूडेंट्स, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आई, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आई। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू ए प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू सी प्लस डी आई प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई। देखो स्टूडेंट्स, पहले ए से मल्टीप्लाई किया सी प्लस डी आई को, प्लस बी आई से मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी आई, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू डी आई ए डी आई प्लस बी आई इंटू सी बी सी आई प्लस बी आई इंटू डी आई बी डी आई स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, ये ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई, दोनों में आई कम प्रेजेंट है, तो हम इसको लेंगे ए डी प्लस बी सी आई, और हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। आई इज एन इमेजिनरी नंबर और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन के होने की वजह से ये माइनस बी डी बन जाएगा। तो इसमें रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी, ये जो दो रियल पार्ट है प्लस ये ए डी प्लस बी सी आई ये दो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है स्टूडेंट। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम प्रोडक्ट लेते हैं। सर थर्ड स्टेप से नहीं समझे? सर मुझे तो कुछ भी नहीं समझा, पहले से नहीं समझे जेड वन से तो लास्ट। ठीक है, समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल लेने के बाद और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आई जेड वन, जेड टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आई। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, ए प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई होता है। तो पहले ब्रैकेट में जो रियल पार्ट है ए, इसे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू सी प्लस डी आई। पहले ब्रैकेट में जो इमेजिनरी पार्ट है बी आई, उससे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं सी प्लस डी। आगे देखो स्टूडेंट, ए इंटू सी ए सी, अभी ए से इस पहले स्टेप में क्या किया हमने, पहले ब्रैकेट में दो टर्म है, पहली है ए दूसरी है बी बी आई। पहले ए से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी प्लस डी आई, सेकंड टर्म जो है बी आई उससे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, ए इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू डी आई ए डी आई। अभी बी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बी आई इंटू सी बी सी आई प्लस इंटू प्लस प्लस बी आई इंटू डी आई बी डी आई स्क्वायर। समझ रहे स्टूडेंट, और आप सभी जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, और ये जो ए सी एज इट इज ये मिडल जो टर्म्स है वो इमेजिनरी टर्म है, दोनों टर्म में भी आई है, तो ए डी प्लस बी सी आई है माइनस ये बी डी आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। तो ए सी माइनस बी डी ये रियल पार्ट हो गया, प्लस ए डी प्लस बी सी आई ये इमेजिनरी पार्ट हो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है।
पहले ब्रैकेट में होता है ई सी माइनस बी डी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ईडी प्लस डी सी आई। अभी देखो स्टूडेंट्स इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किस तरह से हम देते हैं। जेड वन इक्वल्स टू टू प्लस थ्री आई है, जेड टू इक्वल्स टू फोर माइनस सिक्स आई है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इक्वल्स टू टू प्लस थ्री है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू इक्वल्स टू फोर माइनस सिक्स। अभी देखो स्टूडेंट्स जेड वन इंटू जेड टू इक्वल्स टू टू प्लस थ्री आई इंटू फोर माइनस सिक्स आई। देखो स्टूडेंट्स जेड वन इंटू जेड टू इक्वल्स टू टू प्लस थ्री आई इंटू फोर माइनस सिक्स। अभी देखो ये पहला जो रियल पार्ट है टू, उससे फोर माइनस सिक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट जो है थ्री आई उससे फोर माइनस सिक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल प्रोसीजर स्टूडेंट, पहले जो ब्रैकेट है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो रियल पार्ट है टू उससे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, बाद में जो प्लस साइन है प्लस सेकंड नंबर है थ्री आई उससे भी सेकंड टर्म से भी सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें। आगे अभी आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो टू फोर जार एट माइनस टू सिक्स जार ट्वेल्व आई, थ्री आई इंटू फोर ट्वेल्व आई प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री सिक्स जार एटीन आई। अभी एटीन थ्री आई इंटू सिक्स आई एटीन आई स्क्वायर। अभी देखो ये एट आ गया स्टूडेंट, माइनस ट्वेल्व आई प्लस ट्वेल्व आई ये जीरो हो गया, जीरो आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस और ये माइनस प्लस एटीन हो गया, तो एट प्लस एटीन दैट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ गया स्टूडेंट ट्वेंटी सिक्स। इस तरह से सिंपल प्रोसीजर का यूज करके हम ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी लेते हैं स्टूडेंट, इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी लेते हैं। सर बाजू को सर मतलब थोड़ा सर को ना मैं स्क्रीनशॉट निकालता। ओके आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। ओके सर हेलो सर अब एमबी टेक कर सके सर। सर सो व्हेन द ऑफलाइन लेक्चर आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके ओके ठीक है 15th मई सर व्हेन आर द ओके ओके हेलो। ओके सर सर प्लीज मूव जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन 10,000 आपको फीस भरनी है और रजिस्ट्रेशन करना है स्टूडेंट सर। थैंक यू वेरी मच। आई होप टुडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू। ये होमवर्क लिख कर लेना है आपको और सॉल्व करना है। Dear students, please try to rejoin again immediately. I will open the session for the chemistry lecture. Please rejoin all.